तो क्या है चीन के साथ विवाद की कहानी? गालवान जहां पर हमने अपने 20 जवानों को खो दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन को और भारत की सीमा को डिफाइन करती है, अक्साई चीन जिसको चीन ने हटकाया हुआ है, अपने हाथों में लिया हुआ है, तो कैसे ये पूरी कहानी बनी है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गालवान वो इलाका जहां की चट्टाने गवाह हैं हमारे वीर सपूतों के शौर्य की, कि कैसे वो अपनी मां की रक्षा के लिए खुद को लुटा बैठे। यहां की फिजाओं में भी हमारे वीरों की शहादत की महक खुली हुई है। यहां की एक एक ईंट इस बात की गवाह है कि भारतीय जवान जब सरहद पर होता है तो कैसे वो सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की रक्षा में जुटा हुआ होता है। ये फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का वो प्यार है, हर माँ की वो तड़पन है। इस पूरी झड़प के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गलवान को क्यों इतना अहम माना जाता है, क्यों अक्साई चीन हमारे लिए बहुत अहम हो चलता है, क्यों अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया है, इसी के साथ क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आखिर गलवान की भौगोलिक स्थिति क्या है। दरअसल गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहाँ से भारत चीन सीमा काफी करीब है। भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा यहीं पर है, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन भारत और चीन दोनों के बीच विवाद का मुद्दा है, दोनों ही देश इस पर अपना अपना दावा करते हैं। गलवान घाटी के भौगोलिक प्रसार की बात करें तो ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। गलवान भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? गलवान घाटी पर चीन का दावा इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर से बहुत दूर नहीं है और वो सक्षम घाटी भी करीब है, जिसे 1962 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। भारत सियाचिन से पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ नजर रखता है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भी इसी से लगा हुआ है। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हवाई पट्टी है। अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने यहां अपने सबसे बड़ा C-130J सुपर हाइक्रियोलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। इस लिहाज से गलवान घाटी चीन सीमा पर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अगर चीन पीछे नहीं हटता तो भारत के दो दुश्मन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और तब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? 3488 किलोमीटर लंबी इस रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन के नियंत्रण वाले इलाके हैं। भारत LAC की इतनी लंबाई को मानता रहा, लेकिन चीन केवल 2000 किलोमीटर की ऐसी किसी रेखा को तवज्जो देता है। 1962 के युद्ध के बाद की स्थिति को LAC के रूप में समझा जाता है, जो तीन हिस्सों में बटी है, अरुणाचल और सिक्किम वाला पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड और हिमाचल वाला मध्य भाग और लद्दाख वाला पश्चिमी भाग। अक्साई चीन की क्या है कहानी? अक्साई चीन का ये इलाका तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में है। ये कुनलून पर्वतों के ठीक नीचे का इलाका है। अगर ऐतिहासिकता में देखा जाए तो ये इलाका भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला सिल्क रूप का हिस्सा था। सैकड़ों सालों तक ये मध्य एशिया और भारत के बीच संस्कृति, बिजनेस और भाषा को जोड़ने का माध्यम रहा। भारत 1957 के बाद से ही अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को गैरकानूनी बताता रहा है। इस इलाके को लेकर बीते दशकों के दौरान भारत और चीन के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। अक्साई चीन का इलाका चीन के जिनजियांग प्रांत से जुड़ता है। चीन अपने यहाँ के नक्शे के इस इलाके को जिनजियांग का इलाका बताता आया है। भारत का विरोध इसी बात से है, इसी इलाके से होकर गुजरता है जिनजियांग तिब्बत हाईवे। कहा जाता है कि इसी सड़क की बदौलत चीन ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया था। 1950 के दशक के बाद से ही ये इलाका चीन के कब्जे में है, लेकिन भारत ने लगातार इस कब्जे को गैर कानूनी ठहराया है। सोमवार रात को चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत को पूरी दुनिया ने देखा है और इस हरकत के बाद चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मेड इन चाइना पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने इसका जवाब बखूबी दिया, जिसके बाद अब जब वो तिरंगे में लिपटे अपने अपने घर पहुंचे तो उनको सलामी देने के लिए जन सैलाब उमड़ आया। हमें विश्वास है कि भारतीय सेना जो कहती है वो करके दिखाती है और भारत माँ की रक्षा से वो कभी पीछे नहीं हटती है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।